तो आखिरकार दोस्तों, जो हमने आपके बीच कल एक बात रखी है, उस पर कहीं ना कहीं डीडी फ्रीडिश की ओर से कुछ गौर किया गया है और वही चीज जो है वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिली है। जैसे कि कल हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी कि डीडी फ्रीडिश जो है हर ई ऑक्शन में जो है सभी चैनल्स को मौका देता है, लेकिन उसको कुछ ऐसे बकेट को भी तैयार करना चाहिए ताकि उन चैनल्स को भी मौका मिल पाए जो कि अभी तक डीडी फ्रीडिश में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि हमने आपको ये बताया था कि अधिकतर जो चैनल्स है वो बिहार और झारखंड के जनता के लिए हैं या फिर नॉर्थ रीजन के लिए हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करते हैं या फिर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और आपका मलयालम चैनल्स हो गए, कन्नड़ा चैनल्स हो गए, तो उन भाषाओं के चैनल्स के लिए डीडी फ्रीडिश में अभी तक कोई भी जगह खाली नहीं थी। और दूसरी ओर हमने ये भी जिक्र किया था कि इनको कुछ न कुछ चैनल्स की कैपेसिटी को लिमिटेशन लगानी चाहिए कि 10 अधिक चैनलों को मौका नहीं मिल पाए। चलिए, वो तो यहाँ पर प्रसार भारती ने नहीं किया, क्योंकि डीडी फ्रीडिश अगर ऐसा कदम उठाएगा तो उनको कहीं ना कहीं लॉस है, क्योंकि अगर दक्षिण भारतीय चैनलों ने हिस्सा नहीं लिया और जो बाकी चैनल्स हैं उनको भी मौका नहीं दिया तो डीडी फ्रीडिश को घाटा हो जाएगा। इसलिए प्रसार भारती इतना बड़ा रिस्क फिलहाल लेने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज तो इम्प्लीमेंट कर ही दी है हम सभी के लिए इस 67 ई ऑक्शन में, जो कि बिल्कुल सही फैसला है और जो हमने आपको कल जानकारी दी उससे कहीं ना कहीं आपका मिलता जुलता है। जी हाँ, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डीडी फ्रीडिश ने इस 67 ई ऑक्शन में एक नए बकेट को तैयार कर लिया है जिसमें उन सभी चैनल्स को मौका दिया जाएगा जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, इस बार दक्षिण भारतीय चैनलों को भी मौका दिया जाएगा डीडी फ्रीडिश की ओर से, और इस बार जो है बकेट R1 को यहाँ पर आप सभी के लिए चुना गया है। इसके बारे में और भी डिटेल में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। चैनल पहली बार आए थे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस के आगे भी सबसे पहले मिलते रहें। तो बताना चाहूंगा कि डीडी फ्रीडिश की ओर से इस बार हुआ क्या है, 67 ई ऑक्शन में एक नए बकेट को तैयार किया गया है। पहले तो जो बकेट R1 है वो कहीं ना कहीं भक्ति चैनलों के लिए बना हुआ था, लेकिन अब जो है उसको भक्ति चैनलों से हटाकर एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए तैयार कर लिया है जिसमें हर एक भाषा के चैनल को मौका दिया गया है। वो कोई भी भाषा का चैनल हो सकता है, चाहे वो आपका तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, या फिर आपका कन्नड़ा हो, मलयालम हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन का कोई चैनल हो, वो कोई भी भाषा का चैनल जो है वो इस बकेट का हिस्सा बनकर डीडी फ्रीडिश में अपना स्लॉट बना सकता है। तो दोस्तों, ये जो है काफी बड़ी खुशखबरी इस बार हमें डीडी फ्रीडिश के 67 ई ऑक्शन में देखने को मिली है, जिसका मतलब ये होगा कि इस बार प्रसार भारती ने न केवल हिंदी चैनल्स को बल्कि हर एक भाषा के चैनलों को मौका दिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और अगर हम बात करते हैं अपने भक्ति चैनल्स के लिए, तो भक्ति चैनलों की जो कैटेगरी है उसको R1 से हटाकर बकेट D में शिफ्ट कर दिया है, यानी कि बकेट R1 को हमारे सभी प्रकार के चैनलों के लिए तैयार कर दिया है, चाहे वह कोई भाषा का हो, और जो भक्ति चैनलों के लिए हमारा R1 बकेट हुआ करता था उसको शिफ्ट करके बकेट D कर दिया गया है। तो बकेट D के अंदर जो भी हमारे अलग अलग भाषाओं के चैनल्स हैं, जैसे कि पंजाबी, मराठी या फिर आपके जो भक्ति के चैनल्स होंगे, वो भी इस कैटेगरी के अंदर ही अब आने वाले हैं। अब दोस्तों, ये जो बदलाव आपके सामने देखने को मिला है, आपको कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि ऐसे में होगा क्या, डीडी फ्रीडिश को और जगह पर भी लोग जो है वो पहचानने लगेंगे, समझने लगेंगे और अपने घर पर लगवाने की भी पहल करेंगे, और इससे जो है रीजनल कंटेंट में भी बढ़ोतरी होगी और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, दक्षिण भारतीय हमारे भाई होंगे, बहन होंगी, तो वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार।